हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आपको पता है नवरात्र आने वाले हैं, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रों के लिए स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी, जो बहुत ही इंस्टेंट बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आइए मैं आपको उसके इंग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। मैंने देसी घी लिया है, अराउंड 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ये मैंने पीनट लिया हुआ कच्चा। आपके टेस्ट के, ज़्यादा पीनट खाना पसंद करेंगे उसमें तो आप 3 डाल लीजिएगा, अदरवाइज 2 टेबलस्पून बहुत है। 1 नींबू का रस है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा काटा हुआ है, 2 ग्रीन चिलीज काटी हुई है महीन महीन, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और ये मैंने बॉयल आलू लिया हुआ है पड़ा। और देखिए साबूदाना, मैं आपको बता दूं, मैंने एक नॉर्मली एक साइज की जो कटोरी होती है वो कटोरी साबूदाना लिया है, और इसको अच्छे से धो के 2-3 बारी, इसको मैंने, एक कटोरी है तो 1.5 कटोरी पानी में आप इसको सोख करके रख दीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी सुबह करके रख लिया था क्योंकि मुझे बनाना था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1.5 कटोरी ये बढ़ के इतना हो गया है, तो उसको 2-3 बार जरूर धोइएगा साबूदाने को, और जिस रेशियो से, जिस कटोरी से आप बना रहे हो उसका 1.5 गुना। उसके बाद फिर मैंने ये गैस ऑन कर लिया। इसमें सबसे पहले हम घी डालेंगे, देखिए अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने घी डाल दिया। अब इसमें हमने सबसे पहले करना है ये पीनट्स जो है, ये पीनट्स, इसको थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, इसको फ्राई करके इसको निकाल लिया। ये देखिए पीनट्स डाल लिए मैंने, ये देखिए पीनट्स को हल्का सा, इसको 1 से 2 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ये रोस्ट हो जाए। ये देखिए हमारा अराउंड 1.5 मिनट मैंने इसको करा है, और ये अब ये देखिए इसकी स्मेल भी आने लगती है, और ये देखिए तड़तड़ करने लगेगा। इस टाइम पे हम इसको फ्लेम स्लो कर देंगे और ये पीनट को हम निकाल देंगे सारे। देखिए हमारे पीनट हो गए हैं, इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं क्योंकि इसको अब हमें बाद में डालना है। अब देखिए ऑयल तो हमारा इसमें देसी घी तो डला हुआ है, अब इस टाइम पे हम इसमें जीरा डालेंगे, अराउंड 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल के इसको कर लिया देखिए मैंने अच्छे से। और इसके बाद इसमें डालना है सेंधा नमक डालेंगे, व्रत का बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालेंगे, अराउंड 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट पड़ जाएगा, और रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये डाल दिया मैंने, और इसके बाद मैं डालूंगी ये देखिए साइड में जो हमने अदरक करके रखा हुआ था, इस साइड पहले जो तो मसाले बन रहे हैं, ये देखिए हमारा अदरक बन है। अब इस टाइम पे अब हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे, ये अच्छे से 1 मिनट इसको अच्छे से ये हमने फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छे से हो गया, मसाले भी भुनने बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये अदरक और हरी मिर्च भी अच्छे से भुन गए। अब हम इसमें ये जो आलू हमने बॉईल करके रखा हुआ था ये आलू डाल देंगे। गैस मैंने स्लो फ्लेम पे की हुई है, ये आलू को हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे क्योंकि बॉईल किया हुआ है, अदरक तक इसमें मसाले आ जाए। और इसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे ये जो हमने साबूदाना रखा हुआ था, मैं आपको रेशियो तो बता ही दिया है इसका कि क्या रेशियो आपको रखना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अराउंड 1 मिनट अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए 1 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे, केवल 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। अब 1 मिनट के लिए हम इसे कवर कर दिया हमने, ये देखिए अराउंड 1-1.5 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया था, ये बिल्कुल अच्छे से हो गई। अब इस टाइम पे ये देखिए मैंने लेमन जूस एक पूरे नींबू का निकाला था, तो इस क्वांटिटी के हिसाब से एक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं, बहुत खट्टा हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, पर आधा नींबू या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस बहुत होगा। ये देखिए नींबू डाल दिया, अब इस टाइम पे हम ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें पीनट डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखी होगी, और ये हमारी खाने के लिए
रेडी आ गई है ना। ये तो आपने जब खाना हो उसी समय सब कुछ तैयारी करके रखिएगा, और इंस्टेंट ये तुरंत इसको बनाइए। और बस ये ऐसा है कि अब ये तैयार हो गई है, अगर क्योंकि पीनट डालने के बाद पीनट सॉफ्ट हो जाती है अगर इसमें पड़ी रहेगी तो, बिल्कुल इसको तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। चलिए आप इसको ट्राई करिए नवरात्रों में और बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताइए, है ना। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है, और आप बनाइए और बताइए कैसी लगी आपको। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस देखिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।